जिन बच्चों ने कभी झोपड़पट्टी में रहकर कूड़ा बीना और होटलों में बर्तन धोए, वे आज अपनी मेहनत और लगन से समाज के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। इन बच्चों ने न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया बल्कि पूरे बस्ती में एक नई उम्मीद जगाई है। सर, इसमें टीचर का बहुत बड़ा योगदान था। जो मुझे पढ़ाते थे उनका नाम स्वतंत्र सिंह है, वो मेरे ऊपर बहुत मेहनत करते थे। और अब ऐसा भी होता था, वो टेस्ट भी लेते थे तो बहुत अच्छे नंबर नहीं आते थे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारे आइडियाज़ बताए कि कैसे करना है, तो मैं उसको फॉलो करता रहा। और फॉलो करते करते फिर मैं धीरे धीरे यहाँ पे भी अच्छे नंबर आने लगे। फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस करता रहा। और फिर उसके बाद क्या आपके परिवार का क्या माहौल रहता जहाँ आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आना पड़ा आपको? मैं भी एक बस्ती में ही रहता हूँ और मेरे घर का भी माहौल बहुत अच्छा नहीं रहता। ऐसा होता है कि कभी कभी पापा रात को ड्रिंक करके चले जाते हैं तो घर का माहौल पूरा बिगड़ जाता है। और कभी कभी रात को लाइट चली जाती, दो दो तीन दिन दिन नहीं आती, तो घर में तो पढ़ाई का माहौल बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मैं शुरुआत में ही रहता हूँ 24 घंटे, मैं घर पर नहीं जाता। नमस्ते, मेरा नाम शनि है, मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूँ और मेरे क्लास 12 में 70% है। 8 साल पहले ज्योति शिक्षा की संस्थान ने इन बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाई। यह संस्था ने इन्हें विभिन्न स्कूलों में दाखिला दिलाया और उनकी पूरी शिक्षा का खर्चा उठाया। बच्चों ने अपनी पढ़ाई मोमबत्ती की रोशनी में की और ठेले पर बैठकर अपने सपनों को साकार किया। देखिए, इस सफर की शुरुआत लास्ट 8 साल पहले हुई थी। शुरुआत एक जो शिक्षा की, और एक बच्ची से मिला, उसके बाद उस बच्चे से बात करने पे ये पता चला कि वो बच्ची भिक्षावृत्ति में पूरी तरह से लिप्त है। तो मुझे लगा कि हाँ, इन बच्चों के लिए हमें शिक्षा से इन बच्चियों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर ऐसे बच्चे होते हैं और खासकर बच्चियाँ होती हैं जो शिक्षा से कोसों दूर होती हैं। तो वहाँ से ये कारवा शुरू हुआ था। और हमारा पहले दिन से जो ध्येय रहा हमारी टीम का, वो रहा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और यही वजह रही कि इसके पहले भी आज हमारे बच्चों ने 80% अंक से ज़्यादा यहाँ पे अर्जित किए हुए हैं। बच्चे 100 में से 96 नंबर ला रहे हैं। और हमारी जो टीम है उनके सारे सदस्य यहाँ पे, लगभग हर एक टीम मेंबर की क्लासेस डिसाइड होती हैं और वो 2 घंटे 4 घंटे, मतलब एक प्रॉपर स्कूल के पैटर्न पे हमारी टीम इनको पढ़ाती है। इनके साथ में लग करके इनको बेसिक एजुकेशन इनका बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं वीक होता है, उनसे भी 2-4 होना पड़ता है। इसके अलावा इनके साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे डाइवर्जन होते, इन सब चीज़ों से निकाल करके हम और हमारी टीम इस पे कार्य कर रहे हैं और आज परिणाम आपके सामने है। इसके पहले भी यहाँ के बच्चों ने 80 से 85% अंक हासिल किए। यहाँ के बच्चे, 2 बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 1 बच्चा माइक्रोबायोलॉजी से MSc कर रहा है। तो हमारी पहली और आखिरी प्राथमिकता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। हम चाहते हैं ये बच्चे अच्छा पढ़ाई करके अच्छा इंसान बने। इन बच्चों के बैकग्राउंड के बारे में आप कैसे जानने और कैसे इनको चुनते हैं कि ये हमारे यहाँ के पढ़ें? देखिए, ये जो बच्चे हैं पूर्ण रूप से जो गरीब बच्चे होते हैं, स्लम के बच्चे होते हैं, वहाँ पे हम लोग उसी के पास में जाकर के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। तो ये जो मानक होता है निर्धारित करने का, वो 8 साल पहले तो हमने निर्धारित किया था कि हाँ, जो भी अंडर प्रिविलेज बच्चे होंगे उनको हम करेंगे। धीरे धीरे जो रिजल्ट आए तो उससे धीरे धीरे और सारे लोग भी उनसे कनेक्ट होते गए। तो ये मानक रहता है कि जो भी गरीब बच्चा है, जिसके पास पैसे का अभाव है या जागरूकता का अभाव है, उस पर हम और हमारी टीम काम करती है, उनको निःशुल्क शिक्षा देने का काम कर रही है। अपना परिचय दीजिए। अभिषेक शुक्ला। इन बच्चों की मेहनत ने बोर्ड परीक्षा में शानदार परिणाम लाकर दिखाया है कि कठिनाइयां कभी भी सफलता के मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। इनकी सफलता ने न केवल उनके माता पिता को गर्वित किया बल्कि अन्य बच्चों के लिए भी शिक्षा के द्वार खोल दिए हैं। इसका पूरा श्रेय अभिषेक शुक्ला सर को जाता है, जिनकी वजह से शायद आज हम लोग इस स्टेज पे पहुंचे हैं। उनकी ही वजह से शायद आज हम लोग, मैं जो हूँ 12th स्टैंडर्ड में पढ़ी, और उन्हीं की वजह से और उनके पूरे टीम मेंबर की वजह से, जिसने हम लोग की क्लास हिंदी इंग्लिश सारी सब्जेक्ट की क्लास चलती है। और हम लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिसका हम लोग के घर में मतलब पढ़ाई का माहौल ही नहीं है। शायद आज ये शुरुआत, ये संस्था ना होती तो हम लोग का आज इतना अच्छा परसेंटेज आने का कोई वो नहीं था। और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग के जैसे और भी बच्चे हों, वो आगे बढ़े और इतना परसेंटेज बढ़े। आपको किस प्रकार संघर्ष करना पड़ा इतना अंक प्राप्त करने के लिए? जी, इतना अंक मैंने तो सुबह 10 बजे से यहाँ आ जाती थी और शाम को 7 बजे जाती थी, जिसमें हम लोग की क्लास भी चलती थी प्लस सेल्फ स्टडी भी हम लोग अब खुद से करते थे। और क्लास में हमारे टीचर्स लगे हुए थे, हिंदी के अलग टीचर जैसे कि राम प्रकाश सर,
और इंग्लिश की अलग, जैसे कि अनुश्री घोष मैम, इसी तरह सारे टीचर्स हम लोग पे काम करते हैं। आपके यहाँ परिवार में पढ़ाई का क्या माहौल रहा? घर पे मम्मी पापा लोग क्या करते हैं? मम्मी मेरी हाउस वाइफ है और पापा ऑटो ड्राइवर हैं। हम लोग के घर में पढ़ाई का तो कोई माहौल ही नहीं, क्योंकि हम लोग उस बस्ती से आते हैं जहाँ पे मतलब दूर दूर तक ही पढ़ाई नहीं है। अगर इंसान केवल रात में सेल्फ स्टडी कर सकता है तो कर ले, बाकी दिन में हम लोग के यहाँ पढ़ाई का कोई माहौल। आज हरिनगर झोपड़ी और चुंगी परेड के पास के बच्चे भी अपने भविष्य को नई दिशा देने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। मैं शुरुआत से 8 साल से जुड़ी हूँ, क्योंकि जो मेरे घर में है पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है और फाइनेंशियल इशू भी रहते थे जो फैमिली हमारी पूरी नहीं कर सकती थी, और इसी वजह से हम शुरुआत से जुड़े। तो शुरुआत ने हमें इस मंच तक पहुँचाया और आगे भी भविष्य में वो पहुँचाएगा, और जितनी भी हमारी सपने हैं उनको पूरा करने में सारा योगदान शुरुआत परिवार का है। मेरा नाम कोमल है। अभी रिसेंट में मैंने 12th का एग्जाम दिया जिसमें मेरा 70% आया। लोकल 18 प्रयागराज से रजनीश यादव की रिपोर्ट।